आज मैं बनाने जा रही हूँ कीवी की स्मूदी। और कीवी की स्मूदी बहुत ही हेल्दी होती है, साथ में स्वादिष्ट तो होता ही है, बनाना बहुत आसान है। चलिए हम बनाते हैं अपने घर में अपने हाथों से कीवी स्मूदी। तो जैसे हम मिल्क शेक बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा ये। बस इसको आप अगर बोलते हैं तो ये कीवी स्मूदी बोला जाएगा, कीवी शेक भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कीवी लिए हैं। और कीवी के लिए बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि कीवी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, आपका CBC बहुत कम आता है, तो डॉक्टर्स भी इसको बोलते हैं कि आप खाइए, इससे आपका काफ़ी ब्लड जो है बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन आपका काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा। तो इसीलिए इसका ज़रूर सेवन करें, दिन में कम से कम एक बार, और एक पीस एक कीवी का ज़रूर खाएं यदि आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। अगर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन लाइफ में इसको शामिल कर लें, इससे आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आजकल बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं तो इसमें इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं कीवी, और इसको कट करेंगे, चौकोर पीस में काट लेंगे। जैसे मतलब इसे हमें शेक बनाना है तो उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा छोटे पीसेज नहीं काटने हैं, चौकोर पीसेज में मैंने चारों को काट लिया है, 3 को काट लिया है। और बस इसको हम बनाने के लिए इसको कट करेंगे, छिलका उतार देना है पहले ही। इसमें जो आपको बीज दिख रहे हैं वो निकालना इतना ज़रूरी नहीं है, ये साथ में ही आपके शेक में काम आ जाएगा। तो चलिए इसको हमने कट कर लिया, अब इसको एक किसी दूसरी कटोरी में शिफ्ट कर लेते हैं। और देखने में बहुत अच्छा होता है ये, जो आपको हरे रंग का दिख रहा है ये थोड़ा खट्टा होता है, अगर आप फेडेड वाला लेंगे थोड़ा रंग उसका हल्का होता है, वो मीठा होता है। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, बस इसको ये है कि खाना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जार ले लिया है, जार में सभी कीवी को डाल दिया। और मिठास के लिए आप अपना देख लीजिए आपको मीठा कितना पसंद है। अगर 2 कीवी है खट्टे वाले हैं तो उसमें कम से कम 4 चम्मच चीनी डालिए। अभी मैंने 1 कप दूध और चीनी के साथ इसको पहले पीस लेंगे, शेक बना लेंगे, जिससे कि अच्छे से जब पीस जाएगा फिर इसमें हम दूध और भी एक्स्ट्रा डालेंगे। तो इसने के साथ हमने अच्छे से इसको पीस लिया है। अच्छे से पीसना ज़रूरी है क्योंकि स्मूदी बना रही हूँ तो स्मूदी में थोड़ा गाढ़ापन होना ज़रूरी है, इसलिए इसको खूब अच्छे से पीसिए। बीज आपके ऐसे ही रहेंगे जस के तस, इसको खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको आप ले सकते हैं आसानी से। और चलिए इसको हम पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे बाद में। ये हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है पीसने के बाद, एकदम गाढ़ा, जैसे केले का शेक बनाते हैं या किसी और चीज़ का, सेम वैसे ही बनेगा। तो देखिए एकदम गाढ़ा है ये। अब इसमें थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे क्योंकि ये इतना गाढ़ा नहीं पी सकते आप, इसमें दूध और डालेंगे तो ये अच्छे से स्वाद में आएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी क्रीम, तो इसमें क्रीम ज़रूर डालना है क्योंकि बिना क्रीम के स्मूदी नहीं बन सकती। गाढ़ापन लाने के लिए इसमें क्रीम या आइसक्रीम जो भी हो आपके पास वो डाल दीजिए, आइसक्रीम है तो और भी बढ़िया है। मैंने घर की दूध की जो क्रीम होती है वो मैंने डाली है 1 कटोरी, और बाकी मैंने दूध फिर से डाला है। तो दूध जितने भी मेंबर हैं उसके हिसाब से आप दूध डालिए और क्रीम डालिए, क्रीम डालना बहुत ज़रूरी है, बिना क्रीम के ये स्मूदी नहीं बन सकती। ये बन के तैयार हो चुका है, चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास में डाले हुए हैं, और ये पी करके बताइएगा कि कैसी बनी है। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं अगली रेसिपी।